करेंगे अबाउट सैमसंग गैलेक्सी जेड फोर्ड फोर के बारे में। यहाँ पर अनपैक्ड इवेंट हो चुका है इसका, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस बताऊंगा मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया में, एंड यहाँ पर इसमें क्या न्यू तब्दीलियां की गई हैं सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो मेक श्योर वीडियो आपने कम्प्लीट वॉच करनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें क्या न्यू चेंजेस की गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ओवरऑल डिज़ाइन की, देखें ओवरऑल डिज़ाइन तो बिल्कुल सेम है जैसा कि इसका जो प्री सक्सेसर था जेड फोल्ड थ्री, ठीक है ना। तो बट यहाँ पर कुछ देखें हिंच थोड़ी छोटी कर दी गई है, एंड यहाँ पर कुछ बेजल्स भी थोड़े थोड़े छोटे किए गए हैं, एंड यहाँ पर स्लाइटली इम्प्रूव यहाँ पर अंडर डिस्प्ले कैमरा डाला गया है जिसकी लो लाइट जिसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट हाइडन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट ज़्यादा सही है। ये आप देख सकते हैं जेड फ्लिप थ्री का आराम से नज़र आता रहा, ये थोड़ा मुश्किल से नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बेजल्स की बात करें तो थोड़े थोड़े छोटे बेजल्स कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, देखिए ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है यहाँ पर सैमसंग की जानिब से, और यहाँ पर इस पर काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं, ठीक है ना। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर स्पेसिफिकेशन ही बताऊंगा इसकी, सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ बताऊंगा, तो स्टे ट्यून उस वीडियो के लिए, चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा यहाँ पर भी बात कर लेते हैं इसमें कैमरा डिपार्टमेंट, देखें कैमरा डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर वैसे देखने से कि S22 अल्ट्रा जैसे ही शॉर्ट्स ले रहा है, लेट्स सी कि जब मोबाइल हाथ में आएगा जब उसके टेस्ट किए जाएंगे जब भी पता चलेगा किस किस्म का कैमरा डाला गया इसमें, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें प्रोसेसर की, प्रोसेसर हमें मिल जाएगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1, और इसमें कैपेसिटी मिल जाएगी 4400 mAh, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी 25 वोट की, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोसेसर तो एनर्जी एफिशिएंट भी है, फास्ट भी है, लेट्स सी कि इस मोबाइल के अंदर कैसा परफॉर्म करता है वो प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात कर लें प्राइसिंग की, देखें प्राइसिंग यहाँ पर ना मैंने यूरो से कन्वर्ट की, वैसे तो इसकी प्राइस कोई 1799 US डॉलर है, ठीक है ना, उससे मैं कन्वर्ट नहीं की, यूरो से कन्वर्ट की पाकिस्तान और इंडिया में, तो यूरो से इसकी प्राइस आई है कोई पाकिस्तान और इंडिया में आपको दिखाता हूँ कोई 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी प्राइस आई है, ठीक है ना। और इंडियन प्राइस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ यहाँ पर इंडियन प्राइस भी, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, सॉरी मैं जेड फ्लिप फोर की प्राइस ले गया 2.5 लाख। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं 1800 यूरो कन्वर्ट किया पाकिस्तानी करेंसी में, 4,10,000 प्राइस आई, ठीक है, 4,11,000 रुपीज ऑलमोस्ट। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो 1800 यूरो को, तो 1800 यूरो को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो प्राइस आई है इसकी 1,47,000 रुपीज, ओके। तो यहाँ पर प्राइस कंफर्म हो गई। बात कर लेते हैं रिलीज डेट की, देखें प्री ऑर्डर्स तो मेरे ख्याल से शुरू हो जाएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी इसके लेफ्टी के कब आता है ये, ठीक है ना। तो आई होप सो मैं यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मोबाइल के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव अंडर डिस्प्ले कैमरा डाला गया, इसकी कहा जा रहा है कि जेड फ्लिप फोर की भी और फोल्ड फोर की ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी इन्हांस की गई है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फोल्डेबल पीछे बैक की तरफ ये दिया गया है, ठीक है ना, जो फोल्डेबल एरिया इसको कहा जा रहा है कि काफ़ी ड्यूरेबल कर दिया गया, क्योंकि मैं इसके काफ़ी भी रिव्यूज़ देखे हैं ना यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, तो ऐसा ही देखने से लग रहा है कि काफ़ी ड्यूरेबल कर दिया गया, ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात की, देखें पहले मैं वीडियो के शुरू में भी बताया, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, डिज़ाइन जेड फ्लिप फोर का और फोल्ड फोर का बेस्ड ऑन जेड फ्लिप थ्री पर ही है और फोल्ड थ्री पर ही है, ठीक है ना। यहाँ पर छोटी छोटी माइनर सी यहाँ पर अपडेट्स की गई हैं और छोटी छोटी चीज़ें चेंज की गई हैं, तो वो हम गौर करेंगे तो हमें नज़र आएगा, वरना ओवरऑल डिज़ाइन सेम है, ठीक है ना। तो ओवरऑल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं आया, जैसा कि जानते हैं आईफोन के अंदर अभी नोच ख़त्म करके पिल एंड होल्ड डिस्प्ले डाला जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इतना कुछ खास चेंज नहीं किया गया, बट लेस सी मोबाइल फ्लैगशिप है, मोबाइल की कहा जा रहा है कि ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी, प्रोसेसर यहाँ पर बेस्ट आ रहा है स्नैपड्रैगन का, और कैमराज भी वन ऑफ दी बेस्ट डाले गए हैं, 50 MP का अल्ट्रा वाइड, 50 MP का मेन सेंसर, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 10 MP का 3x टेलीफोटो, और जो कि 30x स्पेक्स जूम भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पर भी मजीद बात करते चले, देखें फोल्ड फोर में, देखें फोल्ड फोर की यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, देखें डिस्प्ले, यहाँ पर
डिस्प्ले यहाँ पर वन ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले डाला गया जो फोल्डेबल मोबाइल में होता है, बल्कि मैं वन ऑफ दी बेस्ट नहीं कहूंगा, बेस्ट डिस्प्ले डाला गया फोल्डेबल मोबाइल्स का, ठीक है। सैमसंग का डिस्प्ले बेस्ट ही होगा, ठीक है ना, और प्रोसेसर भी वन ऑफ दी बेस्ट प्रोसेसर डाला गया है, और इसमें यहाँ पर स्टोरेज मेरे ख्याल से बेस वेरियंट की 128 GB से स्टार्ट होगी। रैम की मैं यहाँ पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की ना बात मैं बाद में बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बनानी थी वीडियो फर्स्ट इंप्रेशन की, इसमें कौन से की फीचर्स थे वो मैं बता दिया आपको। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख ही लिया होगा, फर्स्ट इंप्रेशन चल रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूँ, ठीक है ना। इसमें आपको पाकिस्तानी प्राइस भी पता चल जाएगी, इंडियन प्राइस भी पता चल जाएगी, क्या क्या का चंद स्पेसिफिकेशन आ रही वही पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछने में जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एंड संगी में मेरी वीडियोज भी आ गई, चैनल भी आ गए, तो मेक श्योर चैनल आदमी सब्सक्राइब कर लें, एंड आप चाहें तो मेरी वीडियोज भी देख सकते हैं, सैमसंग की प्लेलिस्ट देख लें, एप्पल की प्लेलिस्ट देख लें, शाओमी की देख लें, काफी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।